दोस्तों रिसेंटली पोलैंड के ऊपर एक मिसाइल अटैक की खबर सामने आई और नेटो के आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग अगर एक नेटो मेंबर पर अटैक होता है तो वो अटैक सभी नेटो मेंबर्स के अगेंस्ट माना जाएगा और पोलैंड एक नेटो मेंबर है। तो पहले समझते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या। देखिए यूक्रेनियन फोर्सेस इनकमिंग रशियन प्लेन्स को शूट डाउन करने की कोशिश कर रही थी लेकिन मिस्ड टारगेट की वजह से ये यूक्रेनियन मिसाइल पोलैंड में जाकर गिरा। तो ये पोलैंड के ऊपर एक रशियन अटैक नहीं था लेकिन फिर भी इस अटैक के बाद नेटो की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई जिसके बाद नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने अनाउंस किया कि ये एक डेलिबरेट अटैक नहीं है। और मजे की बात ये है कि यूक्रेन इन्वेजन के बाद पहली बार रशियंस ने यूएस के रिस्ट्रेंड एंड प्रोफेशनल रिएक्शन की तारीफ करी लेकिन स्टार्क रियलिटी ये है कि ये वॉर नेबरिंग कंट्रीज में स्पिल ओवर हो सकती है जो कि मोस्टली नेटो मेंबर्स हैं।